जरूरत गायो क्या कारण है? सिर्फ भैया के लिए आई है, इन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हम मेरी पहली बार वोट बनी है और मैं आज आपसे वादा करती हूँ मेरी पहली वोट आपको ही जाएगी। रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, तो उस पर क्या कहना है? इन्होंने जो हमारे लिए किया वो शायद ही किसी ने, मतलब आगे होगा या नहीं तो पता नहीं, लेकिन जो ये इन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सकता। आज हम अपने बलराज भाई के प्रोग्राम में आए हुए हैं, हम इनको राखी बांध के जाएंगे और इन्होंने जो हमारे लिए किया वो आज तक किसी भाई ने नहीं किया होगा। भाई को राखी बांधने के लिए आए हैं और भगवान करे उन्होंने इतना कुछ किया हमारे मैम हल्के के लिए और वो हमेशा सूरज की तरह चमकते रहे। इस महम हल्के में हमने वो भगत सिंह नहीं देखा, लेकिन आज वाला जो भगत सिंह है वो हमारे भाई बलराज हैं, क्योंकि इतनी सारी बहनों की जिम्मेवारी लेना इतनी आसान बात नहीं होती। आज अगर आप एक सिंगल इंसान से भी ये पूछोगे कि आपके लिए सहारा देने के लिए कौन खड़ा है, तो सीधा भाई बलराज के पास आता है, क्योंकि ये अपना दरबार हमेशा खुला रखते हैं। महम हल्के से विधायक आनंद सिंह दांगी, वो हम जानते भी नहीं थे कौन है आनंद सिंह दांगी। आने वाले भविष्य में मेरे भाई का अलग ही नाम होगा। एमएलए अगर हम बनाए तो ऐसा ही एमएलए आगे उनके आना चाहिए जो हमारी बेटियों को सुविधा दे सके। जितना इन्होंने हमारे लिए किया इतना आज तक किसी ने नहीं किया और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। आप सभी ने कभी देखा किसी को, किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को ऐसे किसी के भी साथ फोटो खिंचवाते हुए, ऐसे राखी बंधवाते हुए? सभी को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र होती है, इन्हें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम सभी काफी इनके लिए। भाई की सच्चाई अच्छाई और इन्हीं से हम ईमानदारी की भी सीख लेते हैं। सो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो राखी का तोहफा दे दिया विधायक ने? बिल्कुल, इनका प्यार और दुआएं इतनी बड़ी ताकत है जी। इनके उस प्यार और दुआ में सीधा भगवान का जो ना आशीर्वाद और दुआएं मिल सकती। मैं ये चाहता हूँ ये सारे काम सरकार के हैं, इस अंधी भरी सरकारों को जगाना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दा मोर्चा पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट अमीर ढांडा। इस वक्त रोहतक आए हुए हैं और रोहतक आप देख सकते हो, आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी लड़कियां क्यों हैं, तो इन्हीं से जानते हैं आज इनका रोहतक आने का क्या कारण है। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या आज रोहतक आए हो, क्या कारण है? सिर्फ भैया के लिए आई है, इन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हम मेरी पहली बार वोट बनी है और मैं आज आपसे वादा करती हूँ मेरी पहली वोट आपको ही जाएगी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, तो उस पर क्या कहना है? इन्होंने जो हमारे लिए किया वो शायद ही किसी ने, मतलब आगे होगा या नहीं तो पता नहीं, लेकिन जो ये इन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सकता। क्या कहना है बहन जी आपका? आज हम अपने बलराज भाई के प्रोग्राम में आए हुए हैं, हम इनको राखी बांध के जाएंगे और इन्होंने जो हमारे लिए किया वो आज तक किसी भाई ने नहीं किया होगा। और जो हमारे पेरेंट्स हैं घर पे वो हमें बेझिझक पढ़ने के लिए भेजते हैं और आज भी वो बेचिंतित हैं, चाहे हम आज कितने ही टाइम पर घर जाएं। क्या करते हो आप स्टडी में? मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। तो आपका क्या कहना है, आज आए हो इतने लड़के आए हैं इकट्ठे हो गए, रक्षाबंधन का त्यौहार है, कल बलराज गुंडू जी ने भी बोला है, भाई को राखी बांधने के लिए आए हैं और भगवान करे उन्होंने इतना कुछ किया हमारे मैम हल्के के लिए और वो हमेशा सूरज की तरह चमकते रहे। स्टडी में क्या करते हो आप? बीए। क्या नाम आपका? शिखारिया। तो आज आप आए हो, इतनी लड़के आए हैं सैकड़ों की संख्या में, विधायक जी मैंने भी अभी बोला कि जिस भी लड़की को कोई भी मतलब पढ़ाई की दिक्कत हो तो सीधा मेरे से आगे मिले, तो बहुत कुछ कर रहे हैं लड़कियों के लिए, क्या कहना है? मेरा तो भैया के लिए इतना ही कहना है कि आज हमारे इस महम हल्के में हमने वो भगत सिंह नहीं देखा, लेकिन आज वाला जो भगत सिंह है वो हमारे भाई बलराज हैं, क्योंकि इतनी सारी बहनों की जिम्मेवारी लेना इतनी आसान बात नहीं होती। इनफैक्ट हमारा खुद का भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं ले सकता, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी बहन को सेफ ले जाऊँगा और सेफ घर पर लाऊँगा। और हमारी पूरी महम 24 की बहनों की जिम्मेवारी अपने अकेले अपने कंधे पर उठाते हैं, तो हमारा तो हमारे भाई को बहुत नाज है। और केवल मैं अपनी बहनों की बात नहीं कर रही, हमारे घर में चाहे हमारे माँ बाप हैं, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो अगर किसी को नाम ध्यान में आता, कोई किसी सरकार के पास नहीं जाता, ना ही किसी को ये होता है कि सरकार हमारी मदद करेगी। आज से पहले इतना सारा लोगों की फसलों में नुकसान हो जाता था, किसी को क्या पता क्या क्या होता था, लेकिन कहने वाला ये होता था कि कौन क्या कर लेगा, ना सरकार कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप एक सिंगल इंसान से भी ये पूछोगे कि आपके लिए सहारा देने के लिए कौन खड़ा है, तो सीधा भाई बलराज के पास आता है, क्योंकि ये अपना दरबार हमेशा खुला रखते हैं कि किसी को भी चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो मेरे पास आओ।
तो इतने बड़े दिल वाला भाई हमारे पास है, ऐसा विधायक हमारे पास है, तो मैं तो यही गुजारिश करती हूँ कि आने वाले हर हल्के में हमारे भाई बलराज कुंडू जैसा विधायक पहले भी यहाँ से मैं हल्के से विधायक थे आनंद सिंह दांगी, वो करते थे इस टाइप। हम जानते भी नहीं थे कौन है आनंद सिंह दांगी, जब किसी से बात ही नहीं करेंगे, केवल अपना घर भरने से मतलब रखेंगे, किसी के लिए सोचेंगे ही नहीं, तो कौन जानेगा। आज अगर आप घर के बच्चे से भी ये पूछ लो बलराज कुंडू कौन है, वो भी आपको अच्छे से बता देगा कि बलराज कुंडू कौन है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो असली राखी होती है, भाई बहन का त्यौहार है, तो असली राखी का जो इन्होंने दिखाया वो करके कि राखी का त्यौहार ये होता है, और ऐसे भाई को मतलब वो जो रक्षा की अगर हम बात करें, हम बोलते हो ना कि बसें चला दी हैं, कि सेफ्टी से आते हो इन बसों में, एक लड़कियों लेकर पहले वो होता था कि बसें चलती थी उनमें लड़के भी लड़कियाँ भी है ना, बहुत सी दिक्कतें आती होंगी। हाँ बहुत दिक्कतें आती थी, बल्कि ये डर होता था कि घर में माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए इसीलिए रोकते थे कि माहौल खराब है कैसे जाएगी, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है घर में माहौल कैसा है। इन समस्याओं को अगर किसी ने देखा है ना, तो वो भाई बलराज कुंडू हैं, और केवल एक गांव एक वो नहीं, 12-12 बसें चलाना एक दिन के लिए गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाए। हम पेपर देने जाते गवर्नमेंट तब सुविधा नहीं देती, एक दिन की सुविधा नहीं देती, जब पेपर होता है गवर्नमेंट तब तक फैसिलिटी नहीं देती बच्चों को, हम कैसे मर पड़ के जाते हैं। और ये भैया देख लो 5 साल तो अपने, इन्होंने तो चुनाव लड़ लिया, अब इनको क्या जीतना है। अब तो जीतने के बाद कहते थे कि इनको तो चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने जीतते तो इनको इतने साल हो गए, फिर क्यों नहीं बंद करी बस। अब उनका मुँह इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपने सच्चे नीयत से बसें चलाई थी। इनका उद्देश्य केवल यही था कि इनकी हल्के की हर बहन पढ़े, हर बहन का भविष्य विकसित हो, और इनका आज वो जो सपना है वो आज हम पूरा करके दिखाएंगे। आने वाले भविष्य में मेरे भाई का अलग ही नाम होगा। आंटी जी क्या कहना, आज राखी के मौके पर इतने लड़के आए हैं, विधायक से मिल रही हैं, तो क्या कहना? देखो हम तो यही कहना है कि बलराज भाई साहब ने जो बसें चला रखी है लड़कियों के लिए, हम माता पिता को ये गर्व होता है कि बलराज ने जो बस चला रखी है, हम माँ बाप सुरक्षित हैं घर पे, हमारी बेटियाँ सुरक्षित जा रही हैं, क्योंकि हम चिंता मुक्त हो गए ना माँ बाप, हमारी बेटियाँ बस में घर पे से बैठ रही है, घर से वापिस आ रही है, तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। ऐसा बलराज भाई जो किसी हल्के में, मैं तो ये कहती हूँ कि हर हल्के में ऐसा भाई होना चाहिए, हर हल्के में बस चलानी चाहिए, MLA अगर हम बनाए तो ऐसा ही MLA आगे चुन के आना चाहिए जो हमारी बेटियों को सुविधा दे सके। हमारे इस पूरे मैम हल्के में जितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं ना, किसी हल्के में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहीं है, और हमारे हल्के की लड़कियाँ गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, और पढ़ाई में भी एक अव्वल है सारे हल्के से, सभी हल्कों से। आज लड़कियां हैं, ये सैकड़ों की संख्या में लड़कियां मौजूद है, तो विधायक जी जो हर साल ही ऐसा करते हैं, अब की बार कुछ स्पेशल है? नहीं नहीं अब की बार तो बहुत छोटा है, हर साल बहुत बड़ा प्रोग्राम मनाया जाता है, ये भाई साहब के लिए नहीं है, हम लड़कियों के लिए प्रोग्राम है, हमारी बेटियां जो उत्सुक साझे बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अब तो छोटे से हॉल में कराया, हम तो पूरे मैम हल्के का जो अनाज मंडी है ना उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं कि पूरे देश में नाम होता है। हाँ भाई मैम हल्के में राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है, किसी को नहीं पता होगा ना कि राखी का त्यौहार क्या होता है, तो बलराज भाई साहब को आके देखे, ये होता भाई बहन का प्यार, ये होता है रक्षाबंधन। तो आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में आज रोहतक पहुंचे हुए हैं ये लड़कियां, और राखी के मौके पर जो है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को एक बार कितनी भीड़ है यहाँ पे, लड़कियां मौजूद हैं विधायक के पूरे इर्द गिर्द। तो इन्होंने यही कहा कि लड़कियों के लिए बसें इन्होंने लगा रखी है, आपको बता दें कि जो मैम हल्का है उसके अंतर्गत जो 12 से 13 बसें हैं वो इन्होंने चलवा रखी है स्पेशल लड़कियों के लिए, तो और भी लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? जॉनी। तो क्या कहना है विधायक के बारे में, बसें चलवा रखी है स्पेशल आपके लिए है ना, तो सेफली आपकी जर्नी का भी कॉलेज से घर तक, घर से कॉलेज तक सेफ चले जाते हो? हाँ जितना भैया ने हमारे लिए किया आज तक किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा, मैं इतने सुरक्षित हमारे, अब एग्जाम से पहले ना मैं बहुत आने जाने में दिक्कत होती है, हमने भैया के पास फ़ोन किया, भैया ने हमारी समझा, क्योंकि हमें बस बदलने के बाद ऑटो पकड़नी पड़ती थी, फिर वहाँ से टाइम भी बर्बाद होता था, इससे हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, समय पर पहुँच नहीं पाते थे, तो हम भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दोबारा से बस चलाई, और जितना इन्होंने हमारे लिए किया इतना आज तक किसी ने नहीं किया, और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा, और हम भैया के लिए आज रक्षाबंधन के उस पे आए हैं, उसको राखी बांधने की टाइमिंग की दिक्कत होती थी ना, जैसे और बसों की टाइमिंग ही है, और इसका सही टाइम से कौन इसका, क्योंकि एक बात है जो हमारी बस से चला रखी है भैया ने, उनका टाइम फिक्स है, तो हम टाइम से घर पहुँच जाते हैं, पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होती, वरना अगर इनका और बसों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, मिलती है नहीं मिलती है, घर में टेंशन हो जाती है घर वालों को भी किस टाइम पहुंचेंगे, इनका बसों का टाइम फिक्स है, हम बहुत खुश हैं, और हम भैया का बहुत सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में, भैया को जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ तैयार खड़े हैं, हर
परिस्थिति में हम भैया जैसे बोलेंगे जहाँ भी हम हर वक्त उनके साथ हमेशा खड़े रहे। तो राखी का तोहफा दे दिया आपको उन्होंने? हाँ, राखी का तोहफा उन्होंने दे दिया। मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, मैंने भैया से उम्मीद किया भैया अगले महीने मेरे गेम है, भैया ने मुझे बोला मैं आपके साथ हूँ, तो इससे ज़्यादा क्या गिफ्ट चाहिए। हमारे पास तो गिफ्ट पहले ही मिला हुआ, भैया ने जितना हमारे लिए किया है उसे इतना तो खुद का भाई नहीं करता जितना इस भैया ने कर रखा है, बस थैंक यू। तो आप देख सकते हो कितनी खुश है लड़कियां और जो विधायक से किस तरह से मिल रही हैं, और अगर हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ लड़कियां हैं, विधायक के साथ सेल्फी ले रही हैं और इनसे मिल रही हैं। तो राखी आप देख सकते हो विधायक जी को राखी बांध रही हैं, सेल्फियाँ ले रही हैं। तो आप देख सकते हो विधायक के साथ सेल्फियाँ ले रही हैं और राखी ये बांध रही हैं। आप देख सकते हो किस तरह से विधायक जो इतनी लड़कियों से, वो हमने आपको दिखाया जो प्रोग्राम थे ना, जो जुलाना की अगर हम बात करें देशखेड़ा गांव की, वहाँ भी विधायक जी जो है वो अपनी कलाई पे जो ये राखी है वो बंधवा के आए थे, और उसके बाद फिर वो बड़ौदा गए। बड़ौदा अगर हम बात करें तो जो किसान था वो शहीद हो गया, उनकी पत्नी को इन्होंने धर्मबाण बनवाया था, तो उनसे भी वो राखी। हाँ जी, आप सभी ने कभी देखा किसी को, किसी भी विधायक को, किसी भी नेता का ऐसे किसी के भी साथ फोटो खिंचवाते हुए, ऐसे राखी बंधवाते हुए? सभी को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र होती है, इन्हें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम सभी काफी इनके लिए। तो मतलब लड़कियां सिक्योरिटी करती हैं विधायक जी की? बिल्कुल। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते जी। विधायक जी जैसे बड़ौदा मिले थे, बात हुई थी कि अभी तो इतनी राखी, आपने बोला था कि रोहतक चलो और रोहतक पता चल जाएगा कितनी, तो वो देख रहा अभी मैं कैमरा मैन को कहूँगा एक बार भाई साहब की दोनों कलाई आप दिखा दीजिए, तो पूरी राखी से ये देख सको। सर ये है जो ये एक सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है, आप देख लो आज तक हमने, जैसे कि एक मेरी बहन ने बताया था कि हमें ये नहीं पता था कि जो है हमारे पहले वाले जो MLA कौन थे, पर आज भाई की सच्चाई अच्छाई और इन्हीं से हम ईमानदारी की भी सीख लेते हैं। सो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो राखी का तोहफा दे दिया विधायक ने आपको? बिल्कुल, हम मतलब राखी से पहले ही भाई ने हमको इतना बड़ा तोहफा दे रखा, इससे बड़ा और क्या गया, थैंक यू। तो देख सकते हो कलाइयाँ, विधायक जी की कलाइयाँ पूरी तरह से, ये देख सकते हो आप कितनी जो राखियाँ हैं इनकी कलाइयों पर बन चुकी हैं, और लड़कियाँ इनके साथ सेल्फी ले रही हैं, भाई मानते हैं इनको, और इनको अभी देखो मिठाई भी खिलाई, तो काफ़ी ये देख सकते हो। विधायक जी, लड़की से वो मैंने हमने इनसे बातचीत की, एक लड़का कहना कि भाई साहब को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम इनकी सिक्योरिटी हैं, तो मतलब इतना प्यार आपके लिए? इनका प्यार और दुआएं इतनी बड़ी ताकत है जी। इनके उस प्यार और दुआओं में सीधा भगवान का जो ना आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ। विधायक जी अभी हमने आपका भाषण सुना, आपने स्ट्रेटजी पे फोकस किया कि लड़कियां आए बेटी पढ़ाओ जो बेटी बचाओ का नारा है, आप उस पर फोकस कर रहे हो, और आप बेटियों के लिए आपने बसें जो चलवाई हैं, और तो और एक बात विधायक जी आपने जब अभी बोला कि 80% जो विधानसभा में वो गधे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिडकते हो गए आप, अब विधायक क्या बोल रहा हमारे लिए? ठीक चलिए बढ़ाई, ठीक है। हाँ देखो, जो सच्चाई है सच्चाई बोलना मेरा, मैं उससे कोई नहीं रोक सकता, ये सच्ची है। वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो विजन और सोच वाले नहीं, वो थोपे हुए लोग ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से आज सारी ये चीज़ें चल रही हैं। जिस दिन जनता के रियल उनके हितैषी और उनके प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे, उस दिन व्यवस्था अपने आप ठीक होती चली जाएगी। विधायक जी सभी जनता के मन में भी है, और सभी सोचते भी कि आखिर विधायक बलराज कुंडू चाहते क्या है, इतनी लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा, इतनों की शादी करवा देते हो, राखी के भी किसी भी लड़की को कोई भी समस्या हो तो मुझसे मिले, बसें चलवा रखी हैं, चाहते क्या है विधायक बलराज कुंडू? मैं ये चाहता हूँ ये सारे काम सरकार के हैं, इस अंधी भरी सरकारों को जगाना चाहता हूँ मैं, ये सब हक है इनका, हमारे संविधान ने ये हक दिया है इनको, अब ये सारी चीज़ें सरकारें इनको प्रोवाइड करें जो नहीं करवा रही, जिसकी वजह से मैंने चलवाकर उन सरकारों को मैं जगाना चाहता हूँ जी। बहनों का प्यार मिल रहा है, राखी बांध रही हैं विधायक जी, तो बहनों के लिए क्या संदेश है आपका राखी के अवसर पर? मेरा इनको सबको मेरा प्यार आशीर्वाद है, छोटी गुड़ियाँ हैं मेरी, बहनें लगा लो, मेरी बेटी लगा लो, इतनी इनके उम्र की मेरी बेटी भी है जो MBBS कर रही है, तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इनका बहुत खुशियाँ हो इनके आगे इनके जीवन में, और ये बहुत अच्छी हाई एजुकेशन लेकर अपने ऊंचे ऊंचे मुकामों को हासिल करें, यही मेरी कामना है और यही मैं दुआ करता हूँ भगवान से।
तो आप देख सकते हो विधायक बलराज कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनसे बातचीत की तो सैकड़ों की संख्या में जो लड़कियां हैं वो इनके जो कलाइयां हमने इनकी दिखाई तो पूरी तरह से भर चुकी है। तो इन्होंने जो लड़कियां हैं उनके जो उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और उन्होंने कहा साफ तौर पर अगर आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब कोई भी आपको दिक्कत हो या किसी कोई भी परेशानी हो तो मेरे से आगे मिलो, मैं आपकी वो परेशानी दूर करूँगा और आपके साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जो राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।